हेलो दोस्तों, फेयर सिविल साइट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आरएमसी और साइलो का लेआउट कैसे करते हैं और उसको साइट पर कैसे लेआउट करके इसका कॉलम और फुटिंग कास्टिंग करते हैं और करके कैसे इरेक्शन करते हैं। तो पूरा जानकारी लेने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, ये अपना है आरएमसी मशीन और इसका लेंथ विड्थ दिया गया है ड्राइंग में, इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पर रखा हुआ है, फुटिंग रीडिंग हो जाने के बाद उस पर इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इसका जो ड्राइंग है उसको स्केच किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है इसका कॉलम है, एक कॉलम यहाँ पे है, टोटल 6 कॉलम रहेंगे। तो इसका चौड़ाई जो है सेंटर टू सेंटर 2 मीटर है और लंबाई जो है 6 मीटर 337 mm और प्लस 3 मीटर, तो यानी अप्रोक्सीमेट 9 मीटर 337 mm टोटल लंबाई है इसका। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, अब मैं लेके चलता हूँ इसके फुटिंग के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपना आरएमसी का फुटिंग है, ये कास्टिंग हो गया है, कल ही हुआ है। इसमें 6 कॉलम दिख रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, ये और ये, 4 कॉलम यहाँ और लास्ट में ये 2 कॉलम वहाँ पे दिख रहे हैं, जिसका दूरी उस कॉलम से वहाँ की दूरी है 6 मीटर 337 mm और ये दोनों कॉलम की दूरी है 3 मीटर और इस कॉलम से इस कॉलम की का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो 2 मीटर है। तो जैसे कि ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, इसको पाइथागोरस से मैं निकाल दिया था, चौड़ाई जो है 2 मीटर है, टोटल लंबाई जो है 6 और प्लस 3 9 मीटर 337 mm था। फार्मूले में डालने के बाद अपना डायगोनल आ रहा है 9 मीटर 549 mm। तो इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लेआउट करके मैं इसका कास्टिंग करा चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा साइलो का पॉइंट। साइलो अभी साइड पे आ गया है, रखा हुआ है। साइलो का भी जब फाउंडेशन और फुटिंग कंप्लीट हो जाएगा, अभी पीसीसी भी नहीं करा पाया हूँ, उसका हाइट और लेंथ में कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो जब उसका हाइट कंप्लीट हो जाता है, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, तो फिर मैं लेआउट करूँगा उसका और फिर पीसीसी करा कर और इसको भी इंस्टॉल करा दूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, ये आरएमसी का फुटिंग है और इसके बिल्कुल सेंटर के सामने ही यहाँ पे एक्सकर्शन हुआ है। ये 5 मीटर 937 mm पे है इसका सेंटर पॉइंट और ये सर्कुलर रहेगा। इसका रेडियस टोटल डायमीटर जो है वो 3200 का है, तो 1600 पे अपना कॉलम का सेंटर पॉइंट आएगा। 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यानी 2600 रेडियस का यहाँ पे एक्सकर्शन हो चुका है। फिनिशिंग करके पीसीसी कर देंगे, करने के बाद इसमें भी 4 कॉलम है, 4 कॉलम कास्टिंग कर देंगे, साथ साथ ये भी कास्टिंग हो जाएगा दोनों का। राफ्ट कास्टिंग होने के बाद और कॉलम 7 डेज क्यूरिंग करेंगे, अप्रोक्सीमेट 10 डेज के बाद इस पर लाकर हम इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।